हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज डेट है 8 फरवरी और दिन है शनिवार। ये सुबह का टाइम है, बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं। बच्चों को लंच में मैंने आलू के पराठे बनाए थे, जो कि बच्चों की फेवरेट चीज़ है। अभी मैं बना रही हूँ घर के लिए, जो लोगों के लिए ब्रेकफास्ट, तो उसमें मैं बना रही हूँ आज पोहे। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली के दानों को तल लिया है। ये तो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं पोहे वगैरह बनाना, तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं दिखा रही। तो अब यहाँ पे मैंने डाले हैं इसमें जो बारीक कट करके आलू रखे थे ना, बिल्कुल पतले पतले पीसीज में, और उसको मैं फ्राई कर लूँगी आलूओं को भी। तो आलू भी मेरे फ्राई हो चुके हैं, ये बहुत पतले पतले करे थे ना मैंने, जो बहुत जल्दी से हो गए थे। और इनको भी मैं निकाल लेती हूँ एक साइड में। तो अब ऑयल इसमें ज़्यादा है, ऑयल इतना नहीं लूँगी, पोहे में बहुत कम ऑयल लगता है, बट मैंने इसलिए ज़्यादा कर लिया था कि जल्दी से हो जाएंगी। थोड़े थोड़े में थोड़ा टाइम भी लगता है और जल्दी से हो भी नहीं पाते। तो बस इस ऑयल को ना मैं निकाल लूँगी, थोड़ा सा ही रखूँगी बिल्कुल पोहे बनाने के लिए। ये देखिए मैंने इनको तल के रख लिया है दोनों चीज़ को, बाकी सारी तैयारी मैंने कर ली थी। तो ऑयल में कटोरी में अलग निकाल लेती हूँ और फिर इसमें मैं डाल दूँगी राई, क्योंकि पोहे तो राई से ही अच्छे लगते हैं। और मैं इसमें सौंफ भी डालती हूँ, सौंफ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो राई और सौंफ मैंने दोनों डाले हैं इसमें। इसको तड़कने के बाद मैंने कट करके रखी थी प्याज। तो प्याज ना मैंने थोड़ी, मुझे वैसे स्लाइस अच्छी लगते हैं बड़े बड़े इस तरह के, जो पतले पतले स्लाइस में करती हूँ ना, बारीक वाली प्याज मुझे इसमें पोहे में अच्छी नहीं लगती, वो डाली है। और यहाँ पे मैंने ये पोहे भी भिगो करके रख दिए थे, धो के साफ करके छलनी में, जिससे फूल गए थे अच्छे से, क्योंकि अभी सर्दियों में थोड़ा सा इनमें टाइम वैसे लग जाते हैं, टाइट टाइट से रह जाते हैं। तो यहाँ पे फिर डाल दिया है प्याज, भुनने के बाद में टमाटर। इसको करने के बाद जब ये हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। तो यहाँ पे हल्दी डाली है, मिर्ची डाली है, बस मैं यही डालती हूँ हल्दी और मिर्ची। और इधर यहाँ मेरे पतिदेव जी मेरी हेल्प कर रहे हैं चाय बनाने में, इन्होंने कहा चलो मैं एक साइड चाय कर देता हूँ, इसके साथ चाय तो चाहिए भाई। तो यहाँ पे खरबूजा होने के बाद मैंने यहाँ पर पोहे ऐड कर दिए हैं इसमें। और पोहे ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें ये भी डाल दिए मूंगफली के दाने, और जो मैंने आलू फ्राई करके रखे थे वो बहुत झटपट बन जाते हैं पर अच्छे भी लगते हैं। और एक साइड बन रही है चाय, जो कि हमारे हस्बैंड जी बना रहे हैं। तो चलिए इधर ये मैंने बाद में ऐड किया है नमक, नमक डालना मैं भूल गई थी तो मैंने ऐड किया इसको, मैंने कहा सबसे लास्ट में किया है, इसको कर लेते हैं मिक्स। और हो गया है, धनिया वगैरह मैंने काट कर भी रख लिया है। तो अभी ब्रेकफास्ट बस यही लोग करेंगे, पापा और ये, और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और भैया, यही लोग करेंगे। और मैं और मम्मी नहीं करेंगे, हम लोग की आदत नहीं है, हम लोग ना बिना नहाए नहीं खा पाते, मेरी आदत नहीं है, मम्मी की भी नहीं है, मम्मी तो नहाने गई है शायद। मैं आज थोड़ा सा लेट नहाऊंगी क्योंकि मुझे कपड़े धुलने हैं, आज ही मशीन लगाई है मैंने, शनिवार है आज। वैसे मैं संडे में लगाती हूँ पर अभी मैं कुछ दिनों से शनिवार में ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पे बस वो ही हमारी हो गए तैयार, और मैं मतलब सर्व कर देती हूँ इनके लिए, पापा जी के लिए अभी तो फिलहाल में। ये देखिए बहुत ही टेस्टी पोहे बने थे, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। मैं नहीं करूँगी, बट मतलब हम लोगों की ना यही गंदी आदत होती है, हम लेडीज़ लोगों की, कि हम नाश्ता नहीं करते हैं ना तो बहुत सारी बीमारियों को हम नौतिया भी देते हैं। इस मतलब खाली पेट रह रहे के हम लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ बनती हैं, ये नहीं करना चाहिए। और इधर मैं प्लेट लगा रही पापा की, तो इसमें से आप देख रहे होंगे ना मूंगफली के दाने निकाल निकाल के लगा रही, क्योंकि मूंगफली के दाने पापा से खाए नहीं जाते ना, तो इस तरह से मैं उनके लिए करती हूँ कि मूंगफली के दाने अलग कर करके, फिर वो पापा को दिक्कत होती है, मैं डाल देती हूँ तो फिर उन्हें अलग करना पड़ता है। बस यहाँ पर कर देते हैं चाय, तो आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए सब लोग। और फिर हम आ गए थे नीचे कपड़े धुलने के लिए। तो यहाँ आज बताया है मैंने शनिवार को ही मशीन लगा रही, क्योंकि संडे में काम बहुत हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलो आज ही मशीन लगाते हैं। 2-3 बार से मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पाइप लगाया हुआ है, मशीन लगा रही थी, सर्फ डाल दिया है, कपड़े छांट कर रही थी मैं कि कौन से कपड़े मुझे पहले डालने हैं। तो यहाँ पे पापा आ गए थे और मैंने इसलिए पर्दा किया है क्योंकि मैं पर्दा करती हूँ, और बस पापा बैठ गए थे उधर ही, और पापा कह रहे थे वीडियो बन रहा है। तो बस मैं यहाँ पे मोटर मतलब जो वॉशिंग मशीन का तार है ना वो लगा के वॉशिंग मशीन चलाने के लिए छोड़ दूँगी। और जो कपड़े रह गए थे एक साइड में चादरें वगैरह रखी वो मैंने नहीं डाले थे, वो बाद में डालूँगी जब ये वाले धुल जाएंगे तब। और इधर मैंने कहा देखो मेरा पाइप भी गिर गया, मुझे बाद में पता चला।
पाइप गिर गया था, तो यहाँ मैंने कहा चलो ये ताज़ा पानी भर के इसमें टब में रख लेते हैं कपड़े धुलने के लिए, फिर नल वल चले जाते हैं तो टंकी का पानी ठंडा होने लगता है ना अभी। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ कपड़े बैठ रहे थे, मैंने उसमें थोड़े से निकाल लिए हैं कपड़े। तो चलिए अब इसके बाद मैं नहा के सीधा फिर बनाऊंगी खाना। और यहाँ पे एक सरप्राइज़ था, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई आने वाला है, तो बस मुझे तो अभी मैं आपको वॉइस ओवर में बता रही हूँ। तो यहाँ फिर किचन में नहा करके मैं आ गई थी, तो मैं यहाँ पे टमाटर और प्याज का मतलब पेस्ट बना रही हूँ क्योंकि मुझे छोले बनाने हैं। और मैंने काबली चने वगैरह मैं उबालने रख गई थी जब ही जब मैं कपड़े धुलने गई थी, बाकी सारे काम तो मेरे हो ही गए थे। यहाँ ना मैंने प्याज टमाटर को पीस लिया, एक साथ ही पीस लिया है मैंने इसको। आज मैंने अपने कान में कुछ नहीं पहना। चलिए तो पहले मैं लगाऊंगी मैदा, छोले बनाऊंगी से पहले मैदा लगा के रखूंगी जिससे कि अच्छे से फूल जाए मैदा। मैं पहुँचने लगी थी फिर मिक्सी को, मैंने कहा फिर मैं भूल रह जाता है ना, मेरा क्या है ना मैं एक जिधर जाऊँ मुझे उधर ही लगता है काम, तो भूल जाती हूँ। फिर मैंने कहा साथ एक साथ पहुँच के रख दूँ, नहीं तो फिर गई गाड़ी शाम की, फिर तो ये है कि किसी और काम में लग गए तो एक दूसरा काम भूल जाते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले इसको करके रख देती हूँ। और यहाँ पे लगाने लगी थी मैदा, तो मैंने ना इनो का पाउच लिया था, वो गिर गया, और इनो ही डालती हूँ। तो यहाँ पे लगभग 1 किलो मैदा है, तो मैंने 1 किलो में एक पाउच ही डाला है, बहुत अच्छा रहता है मेज़रमेंट इसका। और नमक डाला है तो बस मैं रागम राघव स्कूल से। हाय कर दो। हाय। एक बज रहा है सही, रागम स्कूल से आ गया है। क्या हुआ था, क्या बोल रहे थे, क्या हुआ था? बंद कर दिया। चलो मैंने कैसे बदबू आती है ना। अच्छा और आज किसका लंच खाया, किसका क्या किया? आज बस अर्णव का लंच खाया। क्या था लंच? पास्ता, मतलब वो हाँ मैक्रोनी। अच्छा, मतलब पास्ता। पास्ता खाए? और तुम्हारा किसने किसने? अरे वो पतला वाला नहीं, तो वैसा वाला वो मैक्रोनी, सॉरी मैक्रोनी खाई होगी। मैक्रोनी और वो अरे नमकीन पंजाबी तड़का नहीं, तो नहीं खाए। मुझे दिया है उसे। तो कपड़े उतारो, मैं आ रही हूँ अभी। आटा लगा दिया है, बस इसको मैं रख लूंगी, अब बनाऊंगी छोले। तो बस यहाँ पे बनाने लगी थी छोले, तो ऑयल गरम होने के बाद मैंने डाला है हींग, जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च, और ये अदरक डाला है कसा हुआ। और अब मैं डाल दूँगी टमाटर और प्याज, तो ये भी मैं बहुत आपको डिटेल में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं ये भी कई बार डाल चुकी हूँ छोले की रेसिपी। तो इसको डालने के बाद बस आज मैंने ना वो नहीं डाला, इसमें बेसन नहीं डाला है, मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। बेसन बेसन मैं हर बार डालती हूँ तो आप लोग कहेंगे क्या हर चीज़ में बेसन, बट बेसन से सच बताऊँ ना सब्ज़ी का टेक्सचर ही बदल जाता है, फ्लेवर ही बदल जाता है, बहुत ही अच्छी बनती है बेसन डाल के। मैं कोई भी कई सब्जियों में मैंने आपको बेसन बताया है। तो बस यहाँ पे सारे मसाले डाल करके वही हल्दी धनिया मिर्ची यही डाल के और इसको ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे ढक कर के, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ अच्छे से पक जाएगी तो सब्ज़ी आपकी टेस्टी बनेगी। तो यहाँ मैंने छोले भी डाल दिए थे, अब मैं डाल दे रही हूँ चना मसाला, बस यही डालूंगी, गरम मसाला डालूंगी बाद में, धनिया हरा धनिया और गरम मसाला, थोड़ा सा पानी मैं इसमें और करूँगी अभी गाढ़े लगने हैं। उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी भटूरे, तो आप देख सकते हैं ना भटूरे कितने अच्छे से फूले फूले से बन रहे हैं। और ये मेज़रमेंट इतना अच्छा रहता है ना, 1 किलो मैदा में 1 पाउच बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं ज़्यादातर पाउच ही रखती हूँ। और बस यहाँ पे भटूरे बना करके फिर मैं मतलब यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ ना मैं जैसे ही खाना बना के चुकी थी तो मेरी सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आ गई थी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो आने वाली है, नहीं तो मैं थोड़ा सा ढंग से कपड़े पहनती ना, ढंग से तैयार व्यार हो जाती, इस तरह से नहीं रहती, मुझे पता ही नहीं था। तो अचानक से आ गए थे तो मैंने कुछ भी नहीं, बस ये वो आए थे तो बस उन्होंने सीधा फिर खाना ही खाया था। वो कहते ना दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, ये कहावत होती है, ये बहुत सही कहावत होती है। उनको खाना था आज खाना मेरे हाथ का बना हुआ, तो वो उसी टाइम आ गए थे। तो बट वैसे मेरा खाना बन चुका था, बट मैंने मैदा उठा के रख दी थी कि
बच्चे खाएंगे तब और सेक दूंगी गरम गरम, तो वो मैदा फिर उनके काम आई। मुझे बहुत खुशी मिली कि चलो नाश्ता वास्ता चलता रहता है, बट कोई हमारे हाथ का पहली बार खाना खा के जाए ना, उससे खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। मुझे बहुत खुशी मिली, तो मैं उनको आपसे भी मिलवाऊंगी। तो बस यहाँ पे खाना बनाने के बाद मैंने लगाई है फिर प्लेट, आप लोग भी खाइएगा। ये देखिए छोले और मिक्स अचार बहुत अच्छा लगता है इसके साथ, सैलेड और फूले फूले भटूरे आप लोग भी खाइए। आपको भी सब्सक्राइबर से मिलवाने वाली हूँ जो अचानक से आई थी, मुझे पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ तैयारी करके रखती, बट मुझे पता नहीं था वो अचानक से आई। जैसे ही मैं खाना बना के फ्री हुई, मतलब खाना बना ही था बिल्कुल, और वैसे ही वो आ गई। तो चलिए मैं अभी उनसे आपको मिलवाऊंगी, और पहली बार कोई मुझसे मिलने आया है सब्सक्राइबर, तो मतलब अच्छा लगता है ऐसा यार, कोई एज अ सब्सक्राइबर हमसे मिलने आता है। तो चलिए मैं अभी आपसे उनको मिलवा। नव्या हाय। दी हाय। नव्या के मुंह में लगा हुआ है। नव्या खाने में मशगूल है। बहुत अच्छा बनाई दीपिका, बहुत टेस्टी है। पता है दी मुझे मिलने आई है, मतलब दी हैं और सब्सक्राइबर भी हैं मेरी, और आज एज ए सब्सक्राइबर मिलने आई है। वैसे आती रहती है, पास में ही रहती है दी। तो आज आपको पता ही है मैंने छोले भटूरे बनाए थे, जैसे मतलब बना के चुकी थी ना वैसे ही आ गए थे। कैसा लग रहा है खाना? अच्छा ये तो वीडियो देखते हो? चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अभी। बस उनको जाने के बाद फिर मैं धोने लगी, मतलब सुखाने लगी थी कपड़े, कपड़े वगैरह धुल के, क्योंकि आज मेरे कपड़े रह ही गए थे, लाइट चली गई थी, तो फिर मैं खाना बनाने लगी थी। मैंने कहा अभी इनका इंतज़ार करूँगी लाइट का, तो बहुत लेट हो जाऊँगी खाना बनाने के बाद। फिर वो लोग आ गए थे, तो जब कोई आ जाता है तो काम थोड़ा लेट हो ही जाता है, पर कोई नहीं, अच्छा लगता है यार, काम तो रोज़ के ही हैं। और ज़्यादा उनसे फिर मैंने वीडियो में नहीं मिलवाया, क्योंकि जो उनकी बिटिया थी ना वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, मतलब शर्म लग रही थी उससे बार बार। दीदी तो गुस्सा हो रही थी क्या हो गया ना, पर वो थोड़ा सा लग रहा था, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं लिया। अब आई तो चलिए ओके बिल्कुल। और वो दीदी आई थी तो तब तक मेरा आपको पता ही खाना बना के फ्री ही हुई थी, खाया नहीं था, मतलब जो भटूरा सेक थी ना लास्ट रह गया था, और मैंने थोड़ा सा आटा उठा के रख दिया था, वो जो मैदा थी ना उठा के रख दी थी। मैंने कहा बच्चे जब खाएंगे तो फिर और सेक दूँगी, तो बस तभी वो आ गई थी। तो अब सुबह मेरा पता ही है कपड़े डाले थे और धुल नहीं पाए थे क्योंकि लाइट चली गई थी। मैंने कहा चलो तभी दूँगी, तो फिर वो हो जाता ना, कोई आ जाता तो काम तो रह ही जाता है। आज मैंने शाम को कपड़े धोए, वो गए थे, उसके बाद फिर सारा बर्तन बहुत सारा काम हो गया था, जो फैला पड़ा था बहुत सारा काम तो हो गया था। तो मैं पता क्या बोल रही कि जब वो आई थी ना, तो यही रहती हैं पास में ही, मतलब इतनी पास भी नहीं लेकिन रहती हमारे यहीं पे हैं, दूर है थोड़ा, घर उनका दूर है, तो वैसे वो आती रहती हैं। अब काफ़ी दिन पहले आई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी वीडियो देखती हैं। आज वो आके बोली दीपिका हम आपकी वीडियो देखते हैं, आज हम आपके सब्सक्राइबर बन के आए। मैंने कहा अरे बाप रे, मुझे पता ही नहीं था आप मेरे सब्सक्राइबर और वीडियो देखते हो। बोले हाँ हमें बताया था, और तो हमने तभी तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया था। उनकी बेटी भी देखती रहती है, उन्हें नव्या देखती रहती है, तो मैंने कहा चलो आज आपसे मिलवा देती हूँ उनको, भाई पहली बार कोई मुझसे मिलने आया है। तो और क्या बोल रही थी मैं भूल जाती हूँ। तो अगर मुझे पता होता ना वो पहले से आ रही हैं, तो फिर मैं कुछ, उन्होंने सरप्राइज़ दिया था, बताया ही नहीं था, अचानक से आ गई थी। मुझे पता होता तो मैं थोड़ा कुछ तैयारी वैयारी करके रखती ना। और ये देखो आज मैंने कान में भी नहीं पहन रखे, नंगे कान हैं मेरे, कुछ नहीं पहन रखा मैंने। कल क्या हुआ था कि राघव ने ना उल्ट पलट करता रहता है, कलामंडी खाता रहता था, उसका पैर लग गया मेरे कान में, तो कान में चोट भी लगी थी थोड़ी सी, मतलब वैसे खून वो नहीं निकला था पर हाँ चुभ गया था उसका जो पीछे का होता है। मैंने निकाल दिए थे रात को ही, पहने भी नहीं, मुझे लगा क्या सोच रही होंगी कैसे मतलब रहती है, पर ठीक है यार आप लोगों को अच्छी लगती हूँ ना, बस तो यही काफ़ी है। जैसी भी रहती हूँ आपको अच्छी लगती हूँ ये मुझे बताना। तो चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं, और आज एक सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और तो चलिए वीडियो कर देते हैं एंड, और मिलूंगी कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और हाँ एक बात बताना चाहती हूँ कि कल जो मुझे कल एक कमेंट आया था, कल यानी परसों वाली वीडियो पे आया था जो मैंने किचन मेकओवर किया था ना, तो नीलू सिंह का कमेंट था किसी का, उन्होंने पूछा था कि उसका लिंक दे देना
जो मैंने वॉलपेपर लिया है, तो मैंने उसका लिंक उसी वाली वीडियो के, ठीक है, मैंने दे दिया है उसका लिंक, तो आप चेक कर सकते हो जाके। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, बट अब मैं ये नहीं कह सकती कि उसी रेट में आपको मिल जाएगा जो मुझे मिला था, तो उस मतलब ऑफर पर चलता रहता है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।